गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग क्या क्या लिखते क्या हो बादल तुम मैम गुड इवनिंग इन जाइन सॉरी जापानीज बादल एनी देखते हैं चलो ठीक है डीआर स्टार्ट करने वाले थे लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन बचा था ना सबसे लास्ट पल्प वाला ठीक है पहले वो ही करते हैं फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट हाँ हाँ ड्राई फ्रूट वाला वो ही किसी को आया क्या ट्राई किया था किसी ने ट्राई किया था क्या बोलो मैम आपसे नहीं आया तो हमने उम्मीद ही उम्मीद कभी मत छोड़ना कोई किसी से कम नहीं होता है चलो मैं ना वो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं दूसरा लेने वाली हूँ लेकिन वो जो कल का हुआ था फिर वो मैं अभी ये सॉल्व करूंगी जो न्यू है तो उसके बाद आप सॉल्व करोगे जो कल का था ठीक है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉटर मेलन कंटेन्स नया क्वेश्चन है हाँ न्यू क्वेश्चन है 90% वॉटर और मैम वो वाला क्वेश्चन वो वाला आप सॉल्व करोगे उसके लिए जगह छोड़ दो थोड़ा ठीक है और ये वाला लिखो ये वाला मैं सॉल्व करके बताऊंगी फिर वो वाला आप ट्राई करोगे वो आना चाहिए फिर अगर ये समझ गए आपको तो वो आप आराम से कर लो आफ्टर सम टाइम कंटेंस ओनली 12% वॉटर इफ नाउ इट्स वेट इट्स 50 kg कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट ठीक है देखो वो वाला जो था ना वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक था इसके लिए वो जो आंसर था वो रॉन्ग दिया वहां पे रॉन्ग दिया था इसके लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन चूज किया फिर आप वो करोगे वो सेम टू सेम यही टाइप से करना है आपको ठीक है फिर अगर नहीं आया तो मैं फिर बताऊंगी ठीक है देखो अब वॉटर मेलन कंटेंट्स 90% वॉटर वॉटर मेलन मतलब क्या होता है वॉटर मेलन चलो ठीक है देखो एक वॉटरमेलन है उसमें कंटेंट है 90% वॉटर ठीक है तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है ना वॉटरमेलन फ्रेश फ्रूट है उसमें 90% वॉटर है तो जो बचा हुआ होगा वो उसको क्या बोलते हैं मैंने क्या बोला था उसको क्या बोलते हैं पल्प यहाँ पे हम लिखेंगे पल्प और वॉटर 90% है वॉटर तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 90 लिख दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा ठीक है टोटल तो 100% होगा तो ये 10 हो गया ये 90 हो गया रेशियो कितना हो जाएगा 1:9 हो जाएगा ठीक है ये रेशियो किसका हो गया फ्रेश फ्रूट का फ्रेश फ्रूट में पल्प है 1 और वॉटर है 9 आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद क्या हो रहा है इट कंटेन्स ओनली 12% वॉटर मतलब आफ्टर सम टाइम कितना टाइम है वो तो नहीं दिया है लेकिन ये ही जो वॉटरमेलन है ये क्या हुआ है थोड़ी देर के बाद मतलब कितना टाइम है वो तो नहीं बता सकते लेकिन तब क्या हुआ कि 12% वॉटर ही बचा उसमें 12% वॉटर मतलब जो वॉटर था कम हो गया मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया फ्रेश फ्रूट से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो सूख जाएगा
ड्राई फ्रूट में हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो ड्राई फ्रूट। ये है फ्रेश फ्रूट का रेशियो और ड्राई फ्रूट का रेशियो कितना दिया है 12% वाटर है, तो वाटर यहाँ पे है हम लिखेंगे 12, तो कितना बचेगा यहाँ पे पल्प कितना आएगा 100 माइनस 12 कितना होगा 88 प्लस 12 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, दोनों का दोनों, फोर से टू से फोर सारे फोर से कर दो, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 3 मिल गया रेशियो। किसका रेशियो है, ड्राई फ्रूट का 22:3 और फ्रेश फ्रूट का कितना है 1:9, ठीक है। मिस पर ड्राई फ्रूट का तो यहाँ पे नाम ही नहीं लिया है, तो वो ही तो मैं बता रही हूँ। देखो कोई भी फ्रूट है ना, जब वो सूख, क्या हुआ मैम, वो जो पहले वो 90% वाटर था तो मैम 1:9 आया रेशियो, ठीक है। हाँ, फिर वो बाद में क्या बोला, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स 12% वाटर, तो 1:12 होगा ना वो, मतलब? वो बाद में करना है हमें, वो तो बाद में, ये रेशियो पहले निकाल देंगे ना, जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो तो ये मैम, ये ड्राई फ्रूट का फिर से एक बार समझाओ ना, ये 88 और 12 कैसा आया, 88 और 12 कैसा आया, देखो। हाँ, कोई भी फ्रूट है ना वो जब सूख जाएगा, पूरी तरीके से सूख जाएगा, ठीक है, जैसे ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स पूरा सूख जाता है, तब क्या होता है ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना वो अंगूर, अंगूर मतलब वही अंगूर समझ लो, वो ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट होगा ना अपने आप। जब भी कोई फ्रूट होता है तो उसमें बहुत पानी होता है, मतलब पानी मतलब डायरेक्ट पानी नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली वाटर होता है ना, तो उसके बाद सूख जाता है तो वो ड्राई फ्रूट हो गया, इसीलिए वाटर कम होगा। ये वाटर पहले 90% था तो 12% कैसे हुआ, क्योंकि वो सूख गया, तो उसी का ही 12% वाटर यहाँ पे लिखा है, 12% दिया है, इसीलिए टोटल कितना होगा 100% ही होगा ना। ड्राई फ्रूट भी अपने आप में 100% ही है, तो 12% अगर वाटर है तो पल्प जो है वो कितना होगा 100 माइनस 12 88 मैम, ये जो 90 का 12% है, 90 का 12% है क्या? नहीं नहीं, 90 का नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों का दोनों में अलग अलग लिखा, ये टोटल, तो फिर 100 का 90% 100 का 12% 100 का 12% और 100 का 90% 90 के साथ क्या है परसेंट, मैम आंसर 500 है, 500 नहीं नहीं 500 नहीं है, तो 450 1:9 आया, और यहाँ पे कितना है 22:3, यहाँ तक सबको समझा कैसे आया, इसमें किसी को डाउट है? हाँ, सबको समझा ना, ठीक है। हाँ मैम, उसके बाद देखो क्या दिया है, इफ नाउ इट्स वेट इट्स 50 kg, ठीक है, इसको जाने दो, लेकिन इतना देखो कि फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, ठीक है, फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, पानी कम ज्यादा हो सकता है ना, पानी कम ज्यादा हो सकता है, जब फ्रेश फ्रूट होगा तो पानी ज्यादा होता है, ड्राई फ्रूट में कम होगा, लेकिन कितने से कम होगा, रेशियो कितना होगा वो हमें नहीं पता, वो तो डिपेंड करता है कितना सुखाएंगे, वो सब अलग बात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो कुछ भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो पल्प होता है, पल्प मतलब क्या, जो पानी पूरा का पूरा निकाल दो, निचोड़ दो, पूरा का पूरा पानी निकाल दो, उसके बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, पल्प बोलेंगे, है कि नहीं। तो फ्रेश फ्रूट में जितना भी पल्प होगा उतना ही पल्प किस में होना चाहिए, ड्राई फ्रूट में होना चाहिए ना, सोचो जरा। हाँ मिस, जो भी पल्प होगा वो फ्रेश फ्रूट में होने दो, ड्राई फ्रूट में होने दो, दोनों का सेम ही होगा हमेशा, है कि नहीं। तो ये वाला जो वन आया है यहाँ पे, ये किसका रेशियो आया है, पल्प का, फ्रेश फ्रूट में पल्प का रेशियो वन है, सिर्फ यहाँ पे वन को देखो, और ड्राई फ्रूट में पल्प कितना है 22 है, तो ये जो दोनों है वो सेम होना चाहिए, ये जो 1 और 22 है ना वो सेम होना चाहिए, क्योंकि पल्प अलग नहीं होगा, वाटर कम ज्यादा हो सकता है, किसी भी रेशियो में हो सकता है, लेकिन पल्प जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। हाँ बोलो, बट लास्ट क्वेश्चन में आपने उसका टोटल लिया था ड्राई फ्रूट का। हाँ, इसीलिए तभी वो ही गलती हुआ था वहां पे मैंने, और एक्चुअली वो जो वो बताया था ना, वो तो अपना आंसर था वो भी वहां पे गलत था, इसके लिए प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। लेकिन
पल्प हमेशा याद रखो, पल्प फ्रेश फ्रूट का होने दो, पल्प ड्राई फ्रूट का होने दो, ये सेम रहेगा ठीक है, ये याद रखो, वो वाला भूल जाओ, ये वाला समझाना सबको, ये वाला सेम होना चाहिए, पल्प ड्राई फ्रूट का हो और फ्रेश फ्रूट का हो, चाहे आप नोट कर लो कि पल्प सेम रहेगा ड्राई फ्रूट का हो या तो फ्रेश फ्रूट का हो, पल्प हमेशा सेम होना चाहिए, ये नोट भी करके रख सकते हो आप। तो यहाँ पे सेम नहीं है ना, यहाँ पे वन है, यहाँ पे 22 है, तो इसको सेम बनाओगे फिर आप ठीक है। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 22 से मल्टीप्लाई, 22 से और इधर नीचे 1 से डिवाइड, 1 से नहीं किया तो भी चलेगा, 1 से नहीं करना, हां डायरेक्ट 22 से करोगे ना आप यहां पे इनटू 22 हो जाएगा, तभी तो ये 22 होगा जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहां पे ये रेशियो है ना तो रेशियो में यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे तो यहां पे भी करना पड़ेगा ठीक है। तो अभी देखो फ्रेश फ्रूट का हमारा रेशियो कितना आया, 22 × 1 22 हो जाएगा, और 22 × 9 कितना होगा, 198 हो जाएगा। ये क्या मिल गया, रेशियो मिल गया किसका, फ्रेश फ्रूट का रेशियो, जहां पे पल्प है 22 और वाटर है 198। यहाँ पे भी देखो पल्प है 22 और वाटर कितना है 3 है, किसमें, ड्राई फ्रूट में। अभी देखो दिया क्या है, नाउ इट्स वेट इज 50 kg, तो मुझे बताओ फ्रेश फ्रूट की बात हो रही है या ड्राई फ्रूट की बात हो रही है, ड्राई फ्रूट की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो नाउ बोला है, मतलब आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, मतलब पूरा का पूरा सूख गया, तो उसके बाद जो ड्राई फ्रूट हो गया ये वाला, तो ड्राई फ्रूट होने के बाद इफ नाउ इट्स वेट इस 50 kg, मतलब पानी पूरा खत्म हो गया, पानी कम हो गया, उसके बाद 50 kg हो रहा है, इसका मतलब टोटल 50 kg होगा ना, उसमें वाटर भी तो आएगा, पल्प वाटर दोनों आएगा, ड्राई फ्रूट की बात हो रही है, तो ये 22 + 3 कितना हो जाएगा, 25 होगा। ये जो 25 है रेशियो में, इसी का ही वैल्यू आपको दिया है केजीज में, क्योंकि ये भी तो केजीज में ही है, बस ये रेशियो में है और ये एक्चुअल वैल्यू है, तो 25 का वैल्यू कितना है, 50 kg है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये 25 जो है वो रेशियो में वैल्यू है, तो पर यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 2। एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रेशियो का वैल्यू बताना, 22 + 3 कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन 25 होगा ना, 22 + 3 25 हो जाएगा, ये 25 क्या है, ड्राई फ्रूट में पल्प और वाटर दोनों का एडिशन है, मतलब टोटल ड्राई फ्रूट हमारे पास कितना है, अगर हम वेट करेंगे, टोटल वेट करेंगे ना ड्राई फ्रूट का, तो 25 है रेशियो में, लेकिन एक्चुअल कितना है, इफ नाउ इट्स वेट, मतलब इसकी बात हो रही है, इफ नाउ इट्स वेट जो ये वाला है रेशियो में, उसी का ही वैल्यू कितना दिया है, 50 kg, मतलब ये रेशियो में अगर 25 है तो उसी का एक्चुअल में वैल्यू कितना है, 50 kg है, मतलब 25 का वैल्यू 50 kg है, तो पर यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, 50 / 25 करोगे, 50 / 25 ओरिजिनल वैल्यू ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय रेशियो का वैल्यू, मतलब यहाँ पे आएगा 2, पर यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, पर यूनिट का वैल्यू आ गया 2। आगे देखो कैलकुलेट दी ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट कितना होगा, अभी बताओ ओरिजिनल मतलब पहले वाला होगा ना, फ्रेश फ्रूट की बात हो रही है, ओरिजिनल मतलब पहले वाले फ्रेश फ्रूट की बात हो रही है, तो उन दोनों का टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल कितना है, 220 है, दोनों का एडिशन 198 + 22 कितना हो जाएगा, 220 है, तो अगर पर यूनिट की वैल्यू, एक की वैल्यू अगर 2 है तो 220 की वैल्यू कितनी होगी, तो 220 × क्या करोगे आप, 2 करोगे, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा, ये 440 किस में आएगा, केजीज में, 440 केजीज का वाटरमेलन था, फ्रेश फ्रूट की अगर आप वेट करोगे तो वो कितना था, 440 केजीज था, समझा, पर यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 1 का वैल्यू 2 आया, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, 220 × 2 440 केजीज। इसमें किसी को डाउट है बोलो, नहीं स्टार्ट वाला रिपीट करो ना थोड़ा, कौन सा, स्टार्टिंग वाला, हाँ थोड़ा वही खाली, ज्यादा नहीं थोड़ा। मैम मुझे तो ये नहीं समझा 12 कहाँ से आया है, 12 ये वाला 12, हाँ ये तो दिया है ना क्वेश्चन में 12% वाटर,
ओके ओके अब भी समझा समझा। देखो फ्रेश फ्रूट का क्या बात, देखो अब वाटरमेलन कंटेंस 90% वाटर, ठीक है, वाटरमेलन मतलब वो फ्रेश फ्रूट ही होगा, ड्राई फ्रूट की बात नहीं हो रही है, फ्रेश फ्रूट की बात हो रही है, उसमें पल्प होगा कुछ क्वांटिटी में, कुछ क्वांटिटी में वाटर होगा, उन्होंने ही बोला है कि 90% वाटर है, तो हमने लिख दिया 90, तो जो बचेगा वो कितना होना चाहिए, अगर 90% की बात हो रही है, परसेंट की बात होगी तो 100 में से माइनस करोगे, परसेंट मतलब 100 होता है, तो 90 अगर वाटर है, 90 अगर वाटर है तो जो बचेगा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 100 माइनस 90 करोगे तो ये जो 10 है वो क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। After some time, it contains only 12% water. कुछ time हो गया, उसके बाद उसमें सिर्फ 12% water बच रहा है, तो ये dry fruit में convert हुआ होगा, जो watermelon था वो dry fruit में convert हो गया, तो उसमें सिर्फ 12% ही water है, तो यहाँ पे वही 12 लिखा है मैंने, तो जो बचेगा 12 के साथ क्या है, percentage है, तो 100 minus 12 आएगा, 100 minus 12 88 हो जाएगा, तो वो कैंसल कर दिया, इन दोनों का रेशियो निकालो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1:9, ये रेशियो आ गया, 0:0 कैंसल किया, यहाँ पे क्या किया 4 से डिवाइड किया, दोनों को 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे रेशियो कितना आया 22:3 आया। और ये बात याद रखो कि दोनों का ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का पल्प हमेशा सेम होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आप पहले सेम करो, जैसे कि यहाँ पे 22 था यहाँ पे 1 था, तो 1 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 × 1 = 22 हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेम होगा, लेकिन रेशियो में कभी भी एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी वैल्यू को भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे तो हो गया 22 + 3 = 25 हो गया, 22 × 1 = 22 हो गया, 22 × 9 = 198 हो गया, इन दोनों का टोटल आ गया 220, इन दोनों का टोटल आ गया 25, और जो हमें वैल्यू दिया है ये 50 kg, वो किसका वैल्यू दिया है, टोटल केजेस दिया है, जब ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट होता है, वाटरमेलन ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो उसका टोटल वेट कितना आएगा, 50 kg आएगा, मतलब ये जो 25 है ये भी तो टोटल ही है ना, लेकिन रेशियो में टोटल है, एक्चुअल टोटल नहीं है, 22 + 3 करके आया था ये 25, तो 25 का वैल्यू अगर 50 है तो पर यूनिट कितना आएगा, 2 आएगा, 50 / 25, और क्या पूछा था, ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल मतलब वाटर, ये वाला वाटरमेलन का वेट पूछ रहे हैं, तो यही था ना ओरिजिनल वेट, लेकिन ये रेशियो में है, तो एक का वैल्यू अगर 2 है तो 220 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 220 × 2 = 440 kg, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 440 kg। मैम वो लास्ट सम का 500 मैम, लास्ट सम का 250 है, 2.5 है, 250 है, 250 आ रहा है मेरा, नहीं 62.5 40 आएगा, 40 लास्ट सम का 40 आएगा, हां 40 आएगा दिया, मिस अगर क्वेश्चन गलत है तो 40 कैसा आ रहा है, नहीं 40 ही आ रहा है, सही है 40 सही है, बट कैसे मैम, कैसे मेरा 250 आ रहा है, कंपेयर किससे किया मुझे टेन आ रहा था तो इक्वल टू 100 का, तो पर यूनिट 10 आ रहा था, जो 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट है ना, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट था, तो 100 kg आपने किसको अज्यूम किया, किसका वैल्यू 100 आया, ड्राई फ्रूट का टोटल था ना, ड्राई फ्रूट, हाँ तो वो रेशियो में कितना आया आपका, रेशियो में कितना आया जिसको आपने 100 अज्यूम किया, जो 100 केजी यहाँ पे दिया है, 25 आना चाहिए, 25 चलो, ये हो गया, फिर वो रेशियो आया ना, ये सबका हो गया तो बता दो मुझे, लो और बाकी सब लोग ट्राई करो, वो वाला क्वेश्चन जो था कल का ट्राई करो, इसमें रेशियो 4:1 आया ड्राई फ्रूट का, हाँ और फ्रेश में 8 और 2 आया, हाँ मैम 40 आया मेरा, 17 आया ना, 8 and 17 आया, टोटल 25। मैम मैं क्या बोल रही हूँ कि वो सब एक बार ले आप सॉल्व कर ही दो, क्योंकि सबके डाउट सॉल्व हो जाएंगे,
मैम ये जो बोला ये लिख लो पहले, उसके बाद आप तब तक ट्राई करो, ये होने के बाद मैं वो लेने ही वाली हूँ। बोलो मैम, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से है? कौन सा टॉपिक? परसेंटेज से। ओके, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, सो उसी वजह से मैंने पूछा। आपका नाम बताओ। नाम श्रीकांत। अच्छा श्रीकांत, आपने श्री रखा है सिर्फ? है, मैं चेंज कर देता हूँ उसको। अरे एक बार चेंज कर दो, नहीं तो मैं श्री बोलूंगी। ओके चलेगा, कोई इशू नहीं है श्री भी। हाँ देखो, ये वाला जो है ना वो कल का एक क्वेश्चन बाकी था, वो ही लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद और एक सेम टाइप का होगा जो परसेंटेज का होगा, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ओके मैम। ये हो गया लेकिन सबका। हाँ बोलो संतोष। हाँ वो मैंने लास्ट में ना ये फ्रेश फ्रूट का पकड़ने की जगह ड्राई फ्रूट पर टोटल को 100 पकड़ लिया। हाँ वही तो। बाकी सबका आया बताओ? बाकी सबका और किसी का आया 40? 40 होना चाहिए आपका ना। हाँ मैम आया। आया, वेरी गुड। पूजा मैम, पल्प मिस। पल्प? पल्प मतलब पल्प। क्या क्या बोलेंगे पल्प को? मतलब वो मैं, किसी को पता है पल्प को क्या बोलेंगे? मतलब जो वाटर जो अपना फ्रूट होता है ना। हाँ जो फ्रूट होता है ना उसमें से आप पानी निकाल दो पूरा का पूरा, जो शुगर केन। शुगर केन का बताओ ना। अरे हाँ शुगर केन। शुगर केन का वो, वाह वाह। शुगर केन कोई भी फ्रूट हो ठीक है, उसमें से जब भी आपका पूरा का पूरा पानी निकल जाता है, जो भी वाटर है पूरा का पूरा फ्रूट में से निकल जाएगा ना, तो जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पल्प बोलेंगे। समझा आपको दीपाली? जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है वैसा। समझा ना, पूरा का पूरा कोई भी फ्रूट हो, कोई भी फ्रूट, उसमें से जो पूरा का पूरा पानी निकल जाता है ना, तो जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया क्या सबका? चलो उसमें 136 और 17 ऐसा आया है रेशो, और टोटल उसका 153, टोटल उसका 153 आया रेशो का। उसके बाद आगे क्या करना है? चलो ठीक है बताते हैं। क्वेश्चन लिखना है क्या? नहीं नहीं लिखा तो भी चलेगा। है नो मैम, है मैम। अरे हाँ दो, वो श्रीकांत को नहीं पता ना, श्रीकांत के लिए लिखना पड़ेगा। चलेगा चलेगा, नहीं तो नहीं लिखते। चलो तो 100 kg के बराबर लेना है क्या? टोटल 100 kg लास्ट में कंपेयर करना है आपको, जब आपका पूरा का पूरा रेशियो आएगा आप कंपेयर करोगे, जो वो जो मैंने बोला फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का जो पल्प होगा वो सेम होना चाहिए, वो सेम करने के बाद ही कंपेयर करोगे टोटल करके। हाँ सेम किया, टोटल 153 आया है। टोटल 153 आया, ठीक है देखते हैं रेशियो का। फ्रेश मैम मेरा तो 5000 वैल्यू आया है। क्या बात कर रहे हो? सही में उसी खुशी में पीछे गाने में जीरो कहां से लिया? किसका है आंसर? आंसर आया किसका? तो यंग का कहते हैं कोई। श्रीकांत आप लिख लो ठीक है, आपके लिए लिख रही हूँ मैं। क्वेश्चन लिख लो अभी। यस मैम। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन be obtained from 100 kgs of fresh fruit. चलो यहाँ पे सबसे पहले आएगा fresh fruit, ठीक है fresh fruit. फ्रेश फ्रूट कंटेंट 68% वॉटर, तो यहाँ पे लिखोगे पहले पल्प आएगा उसके बाद आएगा वॉटर।
वाटर कितना है 68% है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 68, तो 68 के साथ परसेंट है, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 में से 68 माइनस करोगे कितना बचेगा 32 ये हो गया 32. रेशो कितना आएगा इसका, किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, 4 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 1 होगा 4, कितना बचेगा 28, 4 इंटू 8:17 रेशियो आया किसका, फ्रेश फ्रूट का. आगे देखो, ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, तो उसके बाद क्या होगा, ड्राई फ्रूट हो जाएगा. ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, तो यहाँ पे आएगा 20, तो कितना बचेगा 100 माइनस 20, 80 बचेगा. यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, 0-0 कैंसिल, कितना आएगा रेशियो, 4:1 से डिवाइड कर दो, 4:1 आएगा, सही है. ये हो गया, ये वाला जो रेशियो है वो फ्रेश फ्रूट का है, ये वाला जो रेशियो है वो ड्राई फ्रूट का है. तो पल्प को सेम बनाना है ना, पहली बात ये जो पल्प है इसको सेम बनाना है, पल्प को ही सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 से आएगा ना, 4 into 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 into 2 2 हो जाएगा, मतलब फिर से वही आया, फिर से हम वहां पे पहुंच गए, ठीक है. चलो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, दोनों का सेम हो गया, पहली बात दोनों का सेम है, तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन में बनाया था आपने, वैसा नहीं कर सकते क्या 17 को, मतलब मैम मैंने क्या किया पता है, मैंने ना 8 को ना 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके वजह से मेरा आंसर 5000 आ गया. क्या क्या, कहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, 8 को ना 4 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो वो फिर से वो 100 बन गया, और फिर वो 50 का वैल्यू, हाँ ऐसे किया तो मुझे 5000 वैल्यू आया. अच्छा ठीक है, अभी समझ रहा है आपको, हाँ हाँ अभी समझ रहा है. 17 को नहीं कर सकते क्या, नहीं 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 17 को नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, हाँ इसीलिए वो आप स्टार्टिंग में नहीं थे ना, आपने लेट ज्वाइन किया ना अनिकेत, हाँ इसीलिए नहीं समझा. देखो पल्प को ही सेम करना है, पल्प को ही सेम करना है हमेशा, क्योंकि ड्राई फ्रूट में और फ्रेश फ्रूट में जो पल्प होगा वो सेम होगा, तो यहाँ पे 8 और 8 सेम होगा. अभी देखो दिया क्या है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kgs ऑफ फ्रेश फ्रूट, मतलब टोटल केजीज कितना है फ्रेश फ्रूट का, 100 है हमारा. देखो फ्रेश फ्रूट का टोटल कितना आया है, 8 + 17 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे रेशियो में 25 आया है, एक्चुअल कितना है 100 है, मतलब 25 की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी पर यूनिट, 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 आ जाएगा, पर यूनिट का वैल्यू 4 आ गया. अभी देखो पूछा क्या है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, मतलब ड्राई फ्रूट का टोटल पूछा है, ड्राई फ्रूट का टोटल कितना है, 8 + 2 = 10 है ना हमारा टोटल, 10 रेशियो में है, और एक्चुअल पूछा है अगर एक पर यूनिट की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 40 10 × 4 करेंगे 40 आ जाएगा, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × 4 मतलब 40, तो ये क्या हो जाएगा 40 kgs होगा. ये किसका आंसर है, ड्राई फ्रूट का टोटल है, ड्राई फ्रूट का टोटल केजीस है 40 kg, ड्राई फ्रूट का टोटल है. अभी इसमें किसी को डाउट है, ये समझा, अच्छा हाँ समझ गया मैम. ये 4 × 2 आपने किया ना, वो एक बार बताइए ना, ये वाला ना, हाँ. अच्छा देखो 8 था ना, यहाँ पे 8 and 17 है, तो यहाँ पे हमारे रेशियो क्या आया था, 4 और 1 आया था. मैंने क्या बोला, जो
फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट होता है ना, उसका पल्प सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है आप तो सेम करोगे, तो यहाँ पे सेम कैसे होगा, यहाँ पे एट है यहाँ पे फोर है, अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाई करते तो एट हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना ये दोनों, हमें बस ये दोनों सेम करना है। और रेशियो में क्या होता है, जब भी पहले वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे वाले वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इंटू टू कर रहे हैं तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 4 इंटू टू कितना आया 8 आया, 1 इंटू टू कितना आया 2 आया, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया 10 होगा, समझा? वो लास्ट टाइम सेम करना, वो लास्ट टाइम अपन वाटर का कर रहे थे इक्वल, इसके लिए नहीं आ रहा था ना आंसर? हाँ इसके लिए नहीं आ रहा था। आपने ड्राई फ्रूट्स का टोटल लिया और इधर इसका टोटल लिया 10 लास्ट क्वेश्चन में, इसके पहले का? हाँ मैम। हाँ तो वहां पे दिया क्या है उसके ऊपर मैटर करता है ना, लास्ट को इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया था 50 kg, वो 50 kg किसके लिए दिया था, ड्राई फ्रूट के लिए दिया था, तो इसीलिए उसको कंपेयर किया। अभी किसके लिए दिया है 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, जिसके बारे में दिया उसी से कंपेयर करेंगे ना। ये जो दिया है आपको वैल्यू, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो किसके लिए दिया है वो पहले देखोगे आप, फ्रेश फ्रूट के लिए दिया है ना, तो हम फ्रेश फ्रूट की वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे। फ्रेश फ्रूट का टोटल है ये एक्चुअल टोटल केजीज में है, किसका, फ्रेश फ्रूट का। तो यहाँ पे 8 प्लस 17 कितना हो गया 25 हो गया, मतलब 25 की वैल्यू 100 के बराबर है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी वही हमने निकाला यहाँ पे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में जो दिया था 50 वो ड्राई फ्रूट का दिया था टोटल, तो इसीलिए ड्राई फ्रूट का निकाला और पूछा किसका था, तभी फ्रेश फ्रूट का पूछा था, मतलब उल्टा पूछा था, उतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम टू सेम क्वेश्चन है, समझा? यहाँ पे क्या दिया था, फ्रेश फ्रूट का वैल्यू दिया था, तो हमने किसका निकाला, ड्राई फ्रूट का, क्योंकि चाय मना कैसी। हेलो मैम, तो ब्रो म्यूट करो। हेलो हाँ एक सेकेंड, हाँ बोलो श्रीकांत। हाँ मैम, ये जो फ्रेश फ्रूट का आपने रेशियो निकाला, वो मतलब रेशियो निकालने का ही है ना, वो चीजों में वो जो मेंशन किया है वहाँ पे आंकड़े, उसे रेशियो के साथ डिवाइड ही करना है ना, मतलब रेशियो में ही निकालना है ना वो चीज। हाँ, रेशियो में निकालना, ये जो आया था ना हमारा परसेंटेज में दिया था ना कि 60% 68% वाटर है, तो 100 - 68 जो भी बचेगा हमने लिखा यहाँ पे, वैसे सेम यहाँ पे भी किया, तो उसके बाद ऐसे वैल्यू से डिवाइड करो जो दोनों से डिवाइड किया। हमने क्या किया, रेशियो निकाला, मतलब 4 से दोनों का दोनों डिवाइड हो रहा था ना, दोनों का दोनों, ये भी डिवाइड हो गया ये भी डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया कितना आया 8 and 17, तो यहाँ पे किससे हो रहा था, 2 से डिवाइड हो रहा था, जिससे डिवाइड होता है उससे करो, तो रेशियो निकालो, पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा यहाँ पे आपको दोनों का, उसके बाद ही कंपेयर करोगे, क्योंकि डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो, उसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा फिर वो आपको डायरेक्ट कंपेयर करना मतलब मुश्किल होगा, इसके लिए समझा अभी। ओके ओके मैम, और लास्ट क्वेश्चन में ड्राई फ्रूट मेंशन नहीं किया था, क्वेश्चन में ड्राई फ्रूट मेंशन किया था ना, नहीं वाटरमेलन में नहीं किया था, हाँ वो मतलब खाली वेट किया था उधर, ऐसा मेंशन नहीं किया था ड्राई फ्रूट करके। अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट, अच्छा वैसे तो उन्होंने बोला था ना कि थोड़ी देर के लिए रखा है, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, आफ्टर सम टाइम, वही आफ्टर सम टाइम किया था। हाँ आफ्टर सम टाइम मतलब कितना टाइम है वो तो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ये तो बताया ना कि कुछ टाइम हुआ उसके बाद इतना परसेंट हो गया, मतलब वो अपने आप ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, ऐसा डायरेक्टली आपको नहीं देंगे, आपको वो समझना पड़ेगा लैंग्वेज हमेशा, समझा? ऐसे डायरेक्टली नहीं देते, कभी कभी डायरेक्टली देते, कभी कभी उल्टा घुमा के भी पूछेंगे, तो वो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन। ये हो गया सबका लिख के? यस मैम। तब कर दूं ना मैम, एक विचार ऐसा होता है। हाँ हम ते मार्क वाटरमेलन का क्वेश्चन मध्ये फ्रेश फ्रूट दिला होता, म्हणून आपण ते रेशियो फ्रेश फ्रूटचा इक्वल केला, ठीक आहे? हां आणि ते ड्राई फ्रूट्स विचारलं होतं म्हणून ड्राई फ्रूट्स केलं का आपण? नाही नाही नाही, नेहमी पल्पचा रेशो जो असतो इक्वल करायलाच पाहिजे, कंपल्सरी इक्वल करायचाच आहे, 8 and 8 इथे केला, लास्ट क्वेश्चन मध्ये पण कंपल्सरी इक्वल केलेला, कंपल्सरी करायलाच लागेल, ठीक आहे? हो मॅम, इक्वल केलं मग तुम्ही ते
दोन्ही याला का नाही केलं म्हणजे तिथे 32x8 आणि मग खाली 8x32 असं का नाही केलं. आपल्याला इक्वल करायचं ना, आपल्याला दोन्ही मल्टीप्लाय करा किंवा कोणत्याही एक व्हॅल्यूला मल्टीप्लाय करा काही फरक पडत नाही, फक्त दोन्हीच्या दोन्ही सेम यायला पाहिजे. कळलं का? दोन्ही सेम यायला पाहिजे. इथे 8 येते ना, इथे पण 8 येते ना, दोन्ही सेम आहे ना. मग अजून काय करायची गरज आहे का? आपल्याला फक्त सेम करायचंय. इथे 8 यायला पाहिजे, इथे 8 यायला पाहिजे. कसं पण करा, दोन्हीला मल्टीप्लाय करा, क्युकी नाहीतर कोणत्याही एकाला मल्टीप्लाय करा, पण दोन्हीच्या दोन्ही सेमच व्हायला पाहिजे. ठीक आहे मॅम, फ्रुट सोडून असाच कुठला दुसरा क्वेश्चन येऊ शकतो? मे बी एक क्वेश्चन वाला था. मतलब मुझे नहीं समझा क्या बोल रहे हो. मतलब मैम, फ्रूट है ना, तो उसके जैसा दूसरा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे टाइप में? मतलब ऐसे टाइप का जो ये वाला जो बैकग्राउंड है, स्पीकर जाएगा वहां. अभी हो गया, बंद हो गया. ऐसे ही होता है हमेशा, मैंने मोबाइल निकाला तो बंद हो जाता, बोलने का टाइम ही नहीं मिलता. चलो मतलब मैं जो बोल रही ना, ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे टाइप का जो भी आया है उसमें आपको फ्रूट के बारे में ही देंगे. पल्प वाटर आपको ही समझना पड़ेगा. परसेंटेज देंगे कि वाटर का परसेंट इतना है या तो पल्प का दे सकते हैं परसेंट, लेकिन यही टाइप का आएगा, इसी टाइप में ही. मतलब फ्रूट की जगह दूसरा कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो लोग, वेजिटेबल वगैरह? फ्रूट ही आता है ऐसे में, फ्रूट ही आएगा, वेजिटेबल नहीं आएगा, वेजिटेबल नहीं आएगा, फ्रूट ही आएगा. कोई भी फ्रूट हो सकता है. एक इसमें वाटर का परसेंटेज क्या होता है? हाँ, वॉटर या पल्प दोनों में से किसी ना किसी का देंगे तो अपने आप दूसरे का निकल जाएगा ना. पल्प का दिया होगा तो वॉटर का मिलेगा, वॉटर का दिया होगा तो पल्प. अरे यार, मैम इसको आप ना खुद ही म्यूट कर दो. नहीं, मैंने ही खुद से म्यूट किया, अभी दो बार मैंने ही किया है. अब भी करता कोई भी ना मैम, तो आप इसको निकाल दो ग्रुप से, एग्जिट कर दो. अरे आराम से रेनु, इतना गुस्सा मत करो मैम. बार बार क्यों? ने कौन है? नहीं, अच्छा नहीं होता तो, पहले तो समझ में नहीं आ रहा, दोबारा इतना वो हो रहा है कि और भी नहीं समझ में आ रहा है. नहीं तो इतना मुश्किल से समझता है, ऊपर से बीच में जाता है. बस रेनु, शांत रेनु, ठंडा पानी लो, सांस लो, पानी पियो ठंडा. मैम ये का परसेंटेज देते कि 2% दिया ही होगा? नहीं, एक ही का देंगे ना, अपने आप दूसरे का मिल जाएगा. वैसा नहीं, यहाँ पे कैसा, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% है, तो हम वो ड्राई फ्रूट का दिया भी हो सकता है, नहीं भी दे सकते क्या? नहीं, देंगे जरूर देंगे. 2% होगा ही ना? हाँ, दोनों का देंगे ही आपको. कंपेयर कैसे करोगे अगर दिया ही नहीं, अगर आपको पता ही नहीं तो CND मार दो, फिर CND होना चाहिए ऑप्शन में. पता ही नहीं तो कैसे करोगे ना, दोनों का होना चाहिए तभी आप फाइंड आउट कर सकते. ये अगर ये वो बोल रहे, ये अगर होगा और ये अगर नहीं दिया है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर उसमें कितना है, पल्प कितना है ड्राई फ्रूट में, वो भी तो पता होना चाहिए ना. डायरेक्ट हम अज्यूम नहीं कर सकते, पूरा का पूरा कैसे क्वेश्चन अज्यूम करेंगे? तब हम क्या करेंगे, CND करेंगे. लेकिन वैसा नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको दोनों का परसेंटेज देंगे, वाटर का दे सकते हैं या पल्प का दे सकते हैं, लेकिन दोनों में से परसेंटेज किसी ना किसी का देंगे. फ्रेश फ्रूट का अलग से देंगे और ड्राई फ्रूट का अलग से देंगे. ठीक है, समझा? क्या क्या बोल रहे? रिड्यूस वेट वाला भी पूछता है ना, ओरिजिनल वेट और रिड्यूस वेट, इसमें वो अलग हो गया आता है ना इसमें? हाँ, ये नहीं, वो अलग क्वेश्चन. रिड्यूस्ड वेट वाला तो सनलाइट वाला नहीं क्या मैडम? था वो इवेपोरेटेड सनलाइट वाला. सनलाइट में रखेंगे तो उसका वाटर लॉस होता है. अच्छा, तो वो यही टाइप में आएगा. वहां पे भी आपको परसेंटेज दिया रहेगा, बस वो लैंग्वेज अलग हो गया, लेकिन वही यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है. वहां पे भी आपको परसेंटेज देंगे, दोनों का अलग देंगे, यही सेम मेथड से करना है. फिर समझा?
और पूछो, किसी को डाउट है बोलो. मैम ते शेवटचं विचारायचं होतं. हां 25 तुम्ही इथे म्हणजे म्हणजे फ्रेश फ्रूटचं म्हणजे तुम्ही ते कंपेअर केलं ना 100 ते वरचे वरचं जे अमाऊंट आहे तर मागच्या सम मध्ये तुम्ही ते म्हणजे ड्राय फ्रूटला का कम्पेअर केलं म्हणजे तिथे दिलं मेन्शन केलं म्हणून केलं होतं का. हां मेन्शन केलेलं ना लास्ट क्वेश्चन मध्ये काय मेन्शन केलं 50 kg काय ड्राय फ्रूट आहे. और किसी को डाउट है बोलो ये क्वेश्चन में. और किसी को डाउट है पूछो. ये डाउट मैं सब बता दो चलो ये रफ कर दो ना बोलो. यस मैम. हाँ मैम. हाँ बोलो. मैंने ना ज्योति मैम पे क्वेश्चन भेजा था ये बोटेनी स्ट्रीम का था. हाँ तो आपको मिला नहीं क्या अभी. बोटेनी स्ट्रीम का कब भेजा था. कल भेजा था मैंने. कल भेजा था क्योंकि इसके पहले भी 3-4 क्वेश्चंस आए थे वो तो मैंने भेज दिए. कल भेजा था तो अभी तक मेरे पास आया नहीं है. मैम भेज देंगी तो मैं 1-2 दिन में दे दूंगी आपको. ठीक है. मैम तो किसी का डाउट नहीं आया. ट्रेन का दोनों का था उसमें मिक्सअप था मतलब सेम क्वेश्चन में दोनों था बोटेनी स्ट्रीम एंड ट्रेन का ऐसा थोड़ा मॉडरेट लेवल. ठीक है देख लूंगी मैं जब भी आएगा ना तो देख लूंगी. ओके मैम. परसेंटेज तो हो गया अभी डीआई स्टार्ट करना है. टाइम क्या है कि मिक्सर एलिगेशन है. डीआई ना दिया था ना मैंने. ओके मैम. हाँ बोलो. डीआई बड़ा चैप्टर है. हाँ बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि उसमें टाइप्स है ना बहुत सारा टाइप्स है. इसके लिए फाइव लेक्चर तो लगेंगे. आप जो प्रीलिम्स देने वाले ना जिन्होंने अभी अटेंड किया है या तो फॉर्म भरा है तो उनके लिए बता रहे हो. जो डीआई है ना आपको 10 marks का तो आएगा प्रीलिम्स में. ठीक है 10 marks का आएगा. जो प्रीलिम्स है उसमें तो 10 marks का आएगा ही कंपल्सरी. 5-5 marks का 2 DI आएगा तो वो इजी होगा. पहले बता रहे हो इजी होगा. ये आप कर लोगे ना तो वो आप आराम से कर लोगे. ठीक है बस स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा आराम से कर लोगे. इजी ही आएगा. RRB हो या SBI का जो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है बहुत इजी आएगा वहां. ठीक है ये कर लोगे ना तो वो आराम से आ जाएगा. आराम से बहुत इजी होता है वहां. चलो फिर स्टार्ट करें DI. ये जो चैप्टर है SSC में 5-6 marks के लिए आएगा. मतलब 4-5 marks में प्रीलिम्स में आ सकता है. फिर से 4-5 marks के लिए प्रीलिम्स मेंस में आ सकता है SSC के लिए. और जो बैंकिंग है वहां पे आपको प्रीलिम्स में 10 marks के लिए आएगा और मेंस में आपको 15-20 marks आराम से आएगा. 15-20 मतलब 5-5 marks का DI होता है. कभी कभी 4-4 marks का होता है DI. डिपेंड करता है. कभी कभी 4 questions पूछेंगे एक DI के ऊपर. कभी कभी 5 पूछेंगे. तो वहां पे आपको प्रीलिम्स में 10 marks के लिए आ सकता है और मेंस में 15-20 में आ सकता है. और जो रेलवे में है वहां पे भी थोड़ा सा कम वेटेज है. सबसे ज्यादा वेटेज बैंकिंग में ही है. DI का सबसे ज्यादा वेटेज बैंकिंग में है. तो वहां पे रेलवे में भी आपका 4-5 marks के लिए आए. वहां पे भी 4-5 marks के लिए या तो 15 marks मैक्सिमम. 2-3 DI आएंगे फिर. लेकिन बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. SSC में भी कंपल्सरी आएगा ही आपको DI. कंपल्सरी 1 DI तो देंगे ही आप. हाँ बोलो. डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब अभी समझ जाएगा ना. मतलब
यहाँ पे देखो डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई बोलते हैं जिसको हम डीआई में देखो पाई चार्ट कभी आपने सुना होगा, पाई चार्ट हो गया ये वाला, ऐसे क्वेश्चंस होता है या तो ऐसे हो गया बार ग्राफ हो गया ये वाला, ये सबको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ऐसा आपको डेटा देंगे कुछ, उसके ऊपर आपको कभी कभी तीन क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी फोर आएंगे, कभी कभी फाइव आएंगे, ठीक है। तो इसी को ही बोलेंगे डीआई। इसका बहुत सारे टाइप से, तो हम जो भी टाइप से मतलब अलग अलग टाइप का आता है तो जहाँ पे भी अलग अलग टाइप होगा मैं बता दूंगी, ठीक है। ये है पहला जो लेयर टाइप, वो है पाई चार्ट का, ठीक है। फर्स्ट टाइप है पाई चार्ट का। ड्रॉ करोगे ना अभी? सेम बता दो ना सबका, क्या क्या सेम कितने टाइप्स के होते हैं वो बता दो। टाइप के नेम नहीं, नहीं, ये अलग, अच्छा ऐसे बता दो क्या? चलो ठीक है, लिख लो लिख लो, अभी लिख लो, बाद में अलग से भी ले लेंगे। चलो पाई चार्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा टेबल डीआई, टेबल डीआई भी आता है, और थर्ड है लाइन चार्ट, लाइन चार्ट भी आता है, फोर्थ है टेबल डीआई, और कभी कभी मिक्सचर भी आता है, जैसे दो दो डीआई साथ में दे देंगे वैसे भी पूछेंगे, मतलब टेबल डीआई पूछेंगे प्लस लाइन चार्ट पूछेंगे, लाइन चार्ट प्लस पाई चार्ट आ सकता है, पाई चार्ट प्लस टेबल डीआई आ सकता है, मतलब मिक्स वाले डीआई, मिक्स डीआई जहां पे आपको दो डीआई दे सकते हैं साथ में दे सकते हैं, तो उसको बोलेंगे मिक्स डीआई। उसके बाद होता है मिसिंग करके, मिसिंग डीआई होता है, मिसिंग डीआई मतलब आपको एक डेटा दिया जाएगा वहां पे कोई कोई वैल्यूज मिसिंग होगा, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस होगा कि इफ अगर ऐसा है तो वो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मतलब वो जो रिमेनिंग है मिसिंग डेटा है तो वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा मिसिंग। उसके बाद आएगा सिक्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आता है ना? हाँ, वो मतलब वो डीआई में आता है, वो टाइम स्पीड डिस्टेंस वो डीआई का पार्ट नहीं है, लेकिन डीआई में पूछ सकते हैं वैसा, डेटा देखे वैसा, लेकिन वो डीआई का पार्ट नहीं है, इसमें नहीं आएगा, लेकिन वो डीआई मतलब पाई चार्ट में दे देंगे आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो अलग हो गया, ठीक है। रडार ग्राफ, हाँ रडार ग्राफ होता है, और मिसिंग डीआई हो गया फनल डीआई, फनल डीआई हो गया, और क्या बचा है? रडार भी हो गया, कैसलेट, कैसलेट, ओहो वेरी गुड अक्षय, कैसलेट सही, कैसलेट मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से आपको कैसलेट बनाना है, मतलब डीआई बनाना है, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सब डीआई दिया जाता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के बेस पे आपको डीआई बनाना पड़ेगा। यही हो गया, कितना हो गया टाइप? एट हो गया ना? हाँ इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। पाई चार्ट ये जो है ना रडार ग्राफ, ये नया है कंसेप्ट, ठीक है, ये वाला ओल्ड बुक्स में नहीं मिलेगा, ये अभी न्यू पैटर्न है, ये वाला भी न्यू है, बाकी सब ओल्ड पैटर्न है वो तो आता ही रहता है, लेकिन ये जो है ना वो न्यू पैटर्न के बेस पे है, मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से कभी कभी प्रिंट्स में पूछ सकते हैं वैसा, कभी कभी मेंस में भी पूछ सकते हैं, तो न्यू वाला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नया कंसेप्ट आया है अभी। हाँ बोलो मिस, बार ग्राफ, क्या क्या बार ग्राफ? अरे हाँ, हाँ बार ग्राफ हो गया क्या नया? अच्छा बार ग्राफ, ठीक है बार ग्राफ मिस, वो जो सुबह का लेक्चर हुआ था ना टाइम एंड वर्क का, हाँ मैम वो अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब पे? टाइम एंड वर्क आज का बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, एक्चुअली उसका दो दो वीडियोस बन गया है, वो बीच में नेट का इश्यू हो गया था ना, तो उसका हर मॉर्निंग का भी दो बन गया और आफ्टरनून का भी दो, मतलब टोटल चार वीडियोस बन गया है, तो वो हो जाएगा कल तक, हो जाएगा पोस्ट कल तक, तो कर, हाँ कल तक, आज कैसे होगा, अभी तो शाम हो गया ना, अभी लेक्चर खत्म होते होते ही नाइन हो जाएगा ना, कल तक हो जाएगा ना फिर। मिसिंग मिक्स हो गया, हाँ ठीक है सही है, यही दो है जो न्यू है, बाकी सब ओल्ड पैटर्न है, लेकिन वो भी आएगा और ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है इतना ही पैटर्न है, टोटल पैटर्न डीआई का इतना ही।
तो इसमें से आपको कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ईच एंड एवरी टाइप पढ़ाओगे? हाँ, ईच एंड एवरी, ये सब दिख रहा है ना, ये सब होगा, इसीलिए तो मैंने बोला फाइव लेक्चर्स होगा ना, सब पार्ट तो पढ़ाना पड़ेगा ना, पता होना चाहिए सबका, एक एक डी आई मिल, सबका एक एक डी आई ले लेंगे। मैम उसमें इजी टू मॉडरेट लेवल पे, हाँ इजी टू मॉडरेट लेवल होगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, थोड़ा इजी होगा, थोड़ा मॉडरेट, सब मिक्स होगा यहाँ पे। ओके मैम। हो गया? यस मैम। वो डेटा इंटरप्रिटेशन के बाजू में लिख दो ना कितने मार्क्स के लिए आने वाले। अच्छा, वो सबका अलग अलग है। बैंकिंग का अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे प्रीलिम्स में 10 होगा, ठीक है, प्रीलिम्स में 10 मार्क्स के लिए आएगा, और मेंस में 15 टू 20 मार्क्स के लिए आएगा। और एसएससी की बात की जाए तो दोनों में 4 to 5 मार्क्स के लिए आएगा, दोनों में, मतलब देखा जाए तो टोटल 10 मार्क्स का, 8 टू 10 मार्क्स का वेटेज है एसएससी के लिए, और रेलवे का भी सेम है, 8 टू 10 ही है। यूपीएससी में? यूपीएससी में भी सेम, जो यहाँ पे है ना 4 to 5, तो वहां पे 10 to 12 के आसपास होगा, 10 to 12 के आसपास, सबसे ज्यादा वेटेज बैंकिंग में ही है। ये हो गया ना लिख के? यस मैम। रफ कर दूं? हाँ मैम। चलो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना? है, बड़ा है, लेकिन डीएस ही छोटा है, डीएस तो छोटा ही है, डीए को 5 लेक्चर जाएगा, तो टाइम एंड वर्क को 2 से 3 लेक्चर जाएगा, 3 लेक्चर हो सकता है, 3 लेक्चर होगा। हाँ, आज ही फर्स्ट लेक्चर हुआ था ना? हाँ मैम। और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम भी होता है, जो टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है पाइप एंड सिस्टम, तो वो भी उसी के बाद ही होगा, तो वो कंटिन्यू करना पड़ेगा टाइम एंड वर्क के बाद। चलो, यहाँ पे आपका जो डीआई होगा वो प्रीलिम्स का भी होगा, मेंस का भी होगा, मिक्स डीआई होगा, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ लेवल हो सकता है। चलो, ये फर्स्ट है, वो है पाई चार्ट, क्वेश्चन 7 में लिखो, ठीक है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ राकेश, मेरे साथ ही लिखना है, लिखो जल्दी। मैम मुझे ना डेटा इस ये चैप्टर में ना खाली ना परसेंटेज निकालने के लिए ही नहीं आज जमता है। परसेंटेज निकालने के लिए नहीं जमता है? हाँ, परसेंटेज निकालने के लिए नहीं जमता, बाकी सब सॉल्व कर लूंगी, बट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों क्यों प्रॉब्लम होता है, परसेंटेज में क्या है ऐसा अलग? वही तो मैम, परसेंटेज निकालने के टाइम ही गड़बड़ कर देती हूँ। परसेंटेज हुआ है क्या आपका, अटेंड किया था लेक्चर? हाँ मैम, अभी तो रिसेंटली हुआ है ना परसेंटेज। हाँ तो आपने प्रैक्टिस किया था? प्रैक्टिस तो मैम करती हूँ ना, बट ना ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाता है। आराम, धीरे धीरे हो जाएगा, आराम आराम से जाओ, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस रोज करो, प्रैक्टिस कभी छोड़ना मत, हो जाएगा आराम से। मिस
टोटल मंथली इनकम ऑफ राकेश इज इक्वल्स टू क्या हुआ सेविंग है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मंथली सेविंग इज इक्वल टू रुपीज 4000 और एक इंफॉर्मेशन दिया है एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेंट प्लस एजुकेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ठीक है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये आपको गिवन है जो भी है वो गिवन डेटा है जो इसमें पूछा क्या है वो तो बताऊंगा पूछा क्या पूछा वो तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग होगा ना वैसे 4 to 5 क्वेश्चंस होगा इसके ऊपर ये डेटा एक्सपेंडिचर पूछा है क्या मैम एक्सपेंडिचर नहीं अभी तक क्वेश्चन लिखा ही नहीं अभी तक मतलब अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक सिर्फ डेटा ही आया क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है ना हाँ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो इनकम 10,000 आया ना इनकम हाँ इनकम 10,000 है हाँ इनकम 10,000 आया अच्छा ठीक है देखो दिया क्या है परसेंटेज हाँ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ राकेश ठीक है राकेश का मंथली इनकम जो भी सैलरी हो गया इनकम हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे ये क्या है पाई चार्ट है ठीक है टोटल परसेंटेज भी दिया है मतलब टोटल अगर करोगे तो अपने आप 100 आ जाएगा रेट है 20% एजुकेशन है 25% इलेक्ट्रिसिटी है 15% एंड सेविंग है 40% और उसके बाद क्या दिया है टोटल मंथली इनकम ऑफ राकेश जो उसका मंथली इनकम है राकेश का उसमें क्या क्या इंक्लूड है एक तो एक्सपेंडिचर आएगा और सेविंग आएगा इनकम में एक्सपेंसेस होता है और सेविंग ही होता है और कुछ इंक्लूड नहीं होता है और हमें डेटा दिया है मंथली सेविंग इज इक्वल्स टू 4000 मतलब जो सेविंग है राकेश का ये जो सेविंग दिख रहा है वही सेविंग है उसका एक्चुअल वैल्यू दिया है 4000 मतलब जितना भी इनकम होगा उसमें से उसका 4000 क्या है सेविंग है तो जो बचेगा वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे दिया जो एक्सपेंडिचर है ना यहाँ पे लिखा है टोटल इनकम का मतलब जो सेविंग एंड एक्सपेंडिचर है उसी एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड है एक्सपेंडिचर में रेंट का खर्चा है ठीक है रेंट है एजुकेशन है एंड इलेक्ट्रिसिटी ये तीनों का तीनों एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है खर्चे में इंक्लूड ये सब खर्चा ये उसके बाद जो बचेगा उसी को सेविंग बोलते हैं हम तो यहाँ पे देखो 40% हमें दिया है ना सेविंग है 40% जो है वो है सेविंग हाँ। और ये ही 40% का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है 4000 मंथली सेविंग है 4000 मतलब 40% का वैल्यू 4000 है तो बताओ टोटल इनकम कितना आएगा 10,000 10,000 आएगा 40% का वैल्यू अगर 4000 है तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो कितना बचेगा 4000 डिवाइडेड बाय 40 100 बचेगा तो 100% मतलब 100 × 100 होगा मतलब 10,000 होगा या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो भी 10,000 आएगा मतलब 4000 × 100 डिवाइडेड बाय ये जो 40 है वो डिवाइड हो जाएगा 0 0 कैंसिल करो तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 100 बचेगा 100 × 100 कितना हो जाएगा 10,000 ये क्या मिला 100% क्या होता है 100% तो हमारा इनकम होता है इनकम में एक्सपेंडिचर और सेविंग इंक्लूड होगा अगर सेविंग जो है 40% है तो 60% क्या होगा एक्सपेंडिचर ही होगा और 100% क्या होगा 10,000 होगा तो 40% का वैल्यू 4000 है 100% का वैल्यू 10,000 है
तो 60% का वैल्यू कितना होगा? 6000 होगा, डायरेक्टली 6000 लिख दो। ये क्या है? सेविंग है। ये क्या है? टोटल इनकम है। उसके बाद ये क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीनों का वैल्यू आ गया अलग अलग। अभी इसके नीचे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन वन, वो 60% का वापस रिपीट करो। 60% का, देखो यहाँ ये समझा 10,000 कैसे आया? हाँ समझा समझा। यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही 6000 आएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या तो इससे कंपेयर कर दो, किसी से भी कंपेयर कर दो। देखो अगर 100% का वैल्यू 10,000 है तो 60% का कितना आएगा? आप क्या करोगे, 10,000 इंटू क्या करोगे, ये 60 करोगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये जो 100 है वो डिवाइड होगा। तो दो जीरो कैंसिल कर दो, दो जीरो कैंसिल कर दो, कितना बचेगा डायरेक्टली, कितना आएगा 100 into 60? 6000 आएगा, वही 6000 यहाँ पे लिख दिया। समझा अभी? हाँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, राकेश राकेश एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन is how much more or less than his expenditure on rent? 500 rupees. ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। राकेश एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो राकेश का एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, एजुकेशन का जितना भी वैल्यू आएगा वो कितना है? इट्स हाउ मच मोर और लेस। मोर और लेस देन मतलब हमेशा डिफरेंस होता है, देन देन के बाद क्या बोला है, हिज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो रेंट से कितना कम और ज्यादा है उसका परसेंटेज पूछा है। नहीं नहीं परसेंटेज नहीं पूछा है, कितना कम और ज्यादा है उधर। 500 500 आया, सही है। 500 ज्यादा। सब लोग ट्राई करो। फाइव हंड्रेड मोर देन रेंट। ओके मैम, अगर 500 का परसेंटेज निकालने जाए तो 5% आएगा ना? 500 का परसेंटेज निकालने जाए तो, हाँ 500 का परसेंटेज निकालने जाए तो 500 का परसेंटेज नहीं निकाल, हम लोग हमें वैल्यू पूछा है यहाँ पे, परसेंटेज नहीं पूछा है, तो वो अलग हो गया क्वेश्चन, वो अलग हो गया। जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो अलग हो गया। इनकेस पूछा जाता तो फिर ऊपर ऊपर 500 लिखते ना। हाँ वो तो गिवन रहेगा ही ना, गिवन है वो मैम, लेकिन वो मोर और लेस की बात कर रहे हैं ना, मोर और लेस की बात। तो मोर और लेस होगा ना, उसका अगर परसेंटेज पूछेंगे तो ऊपर क्या करोगे, 500 लिख दोगे, नीचे किससे ज्यादा है, रेंट से ज्यादा है ना, तो रेंट कितना है 20% निकालोगे, जितना भी वैल्यू होगा उसका 20% वो डिवाइड हो जाएगा इंटू 100 होगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है वो ऊपर लिखोगे, जितना भी ज्यादा है जो आप बोल रहे हो ना कि कितना परसेंट होगा, तब वैसे ही आएगा 5% होगा मैम। यहाँ पे जगह ही नहीं है यार,
मैम मैम मुझे ना 20% आया 500 का. मैंने ना क्या किया, 500 को लिखा उस 500 अपॉन 2500 इनटू 100 और फिर ऐसा किया तो मुझे 20% आया. 2500 आया. 2500 लिखना पड़ेगा ना, 500 तो नहीं लिखेंगे. 2000 आएगा मिस, जो ग्रेटर वैल्यू है वो लिखने का. नहीं नहीं नहीं, रेंज से कितना जाता है वो बोला है ना. 10,000 का 20% कितना आएगा? अच्छा अच्छा, कितना आएगा? 2000 आएगा. मैम सॉल्व करके दिखाइए ना. हाँ हाँ एक मिनट. हाँ ये वाला रफ कर दूं क्या? ये हो गया ना सबका लिख के, ये वाला नहीं मैम. दो मिनट. नहीं लिखो जल्दी, ये वाला लिख. ये 40% की वैल्यू हमारी 4000 आई है. टोटल इनकम हमारा कितना है? 10,000. तो टोटल इनकम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 10,000. तो फिर अगर ऐसा करना जाए, ऐसे करने जाए ना तो 25% आया. 25% आया. हाँ, 25% किया रहेगा इसलिए मेरे को ना. मैम आपको पता है मेरे को ना 100 के नीचे वैल्यू आ रहा ही नहीं था. मेरे को ना 288 365, अरे बापरे इतने बड़े बड़े नंबर आते थे. हो गया करो. अभी अभी आएगा आराम से. देखो एक्सपेंडिचर कितना है? 6,000 है. ठीक है हो गया ना, ये रफ रफ कर देती हूँ. चलो ये भी रफ कर दो ना, ये भी हो गया होगा आपका. हाँ ठीक है. चलो क्या पूछा? देखो राकेश का एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. तो सबसे पहले एजुकेशन का, एजुकेशन देखो 25% है एजुकेशन. किसका होगा 25% वो बोलो. ये सर्कल पूरा का पूरा 100% है. 100% का 25% होगा. 100% मतलब 10,000. टोटल इनकम का 25% निकालोगे. ये जो भी है ना, जिसका भी परसेंटेज निकालोगे 10,000 में से ही आएगा, क्योंकि टोटल इनकम क्या है? 10,000. और ये पूरा का पूरा सर्कल किससे भरा है? एक्सपेंडिचर और सेविंग से भरा है. तो उन दोनों को ऐड करते हैं तभी हमें इनकम मिलता है, जो कि 10,000 आया है हमारा. ठीक है, तो 10,000 का ही परसेंटेज निकालोगे. तो राकेश का एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना परसेंटेज है? 25. तो 10,000 का 25%. ठीक है, ये हो गया. क्या हो जाएगा हमें? क्या मिलेगा? एजुकेशन मिलेगा. मैंने 10,000 इनकम है ना. हाँ 10,000 टोटल इनकम है. टोटल इनकम हमने निकाला था ना, तभी 10,000 आया. तो इनकम का ही परसेंटेज निकालोगे 25% 10,000 का. ठीक है निकाल दो. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 00 कैंसिल 25 into 100 2500 हो जाएगा. ये क्या मिल गया? एजुकेशन मिल गया. ठीक है, इज हाउ मच मोर और लेस देन. ये जो बोला है मोर और लेस देन, तो जब भी आपको क्वेश्चन में मोर और लेस देन आए तो समझ लो वो डिफरेंस है. क्लियरली वो डिफरेंस ही है. मोर देन बोलने दो, लेस देन बोलने दो, मोर और लेस देन बोलने दो, क्लियरली उसका मतलब होता है डिफरेंस पूछा है आपको. देन हिज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट. तो रेंट कितना है? 20% है. किसका 20% आएगा? 10,000 का ही आएगा. तो निकाल दो 10,000 का 20%. 00 कैंसिल 20 into 100 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा. 2500 का आया एजुकेशन आया. 2000 क्या आया? रेंट आया. और क्या पूछा है? मोर देन, मोर और लेस देन मतलब डिफरेंस पूछा है. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2500 माइनस 2500 हो जाएगा. तो 500 हो गया आंसर. क्या हुआ मैम? रेंट तो 20% है ना. 20% रेंट है ना. हाँ. रेंट नीचे आया ना. एजुकेशन का 25 था. ये एजुकेशन है. हाँ मैम सॉरी सॉरी. सबको समझा 500 कैसे आया? हाँ मैम.
तो 500 ज्यादा है या कम है, मोर है या लेस है? जो एजुकेशन है वो रेंट से ज्यादा है या कम मोर है? मोर है, ज्यादा है, मोर है, मोर आएगा 500 मोर आएगा, क्योंकि एजुकेशन ज्यादा है रेंट से, इसलिए एजुकेशन ज्यादा है तो एजुकेशन 500 मोर आएगा। मैम हाँ बोलो मैम, ये जो चार्ट है उसमें जो 40% 20% और 15% लिया, ये टोटल 100 है, इसका परसेंटेज 10,000 आया ना? हाँ सही है, सही 100% का वैल्यू 10,000 आया, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल किसका है? 10,000 का है ना? हाँ, तो जो भी परसेंटेज निकालोगे आप किस पे निकालोगे? इनकम पे, मतलब 10,000 पे निकालोगे। ओके मैम, चलो ये रफ कर दू। नहीं मैम रुको एक मिनट, लिखो लिखो जल्दी। हो गया तो बता दो मुझे। हो गया मैम, हो गया। एक सेकंड मैम, लास्ट। ओके ओके लिखो। डन मैम, करो ना। श्रीकांत आपको डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन टू, राकेश सेविंग is what percent of his expenditure on electricity? 263/3। क्या 266/3? वेरी गुड अनिकेत, सही है। जो राकेश का सेविंग है वो कितना परसेंट है राकेश के इलेक्ट्रिसिटी से, जो इलेक्ट्रिसिटी का आएगा परसेंटेज उससे, कितना परसेंट पूछा है आपने? 266/3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। मैम अगर ये 266 को 100 के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करें? ऐसे बड़े वैल्यू आते नहीं, नहीं नहीं, 100 के अंदर आएगा ही नहीं, पहली बात, कभी नहीं आएगा 100 के अंदर। वो परसेंट से, मतलब यहाँ पे जो बोला है राकेश का जो सेविंग है ना
वो इलेक्ट्रिसिटी से कितना परसेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी कम है, वो जो सेविंग है इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा है इसलिए ज्यादा परसेंट आया। तो ये ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी बड़ा परसेंटेज आए, ऐसे हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो सेविंग है वो इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा है इसीलिए इसका परसेंटेज ज्यादा आया, तो वो 266.66 ही होगा। ठीक है, वो आप चेंज नहीं करोगे, आंसर वो ही होना चाहिए। फ्रैक्शन में आंसर देना है कि पॉइंट में? नहीं नहीं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चले, दोनों सेम ही, जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे। हाँ, जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा। क्वेश्चन नहीं समझ रहा ये वाला? हाँ मैम। पूछा क्या, देखो राकेश का जो सेविंग है ना, जो राकेश का सेविंग हमारे पास कितना परसेंट है, 40%। ठीक है, ये जो 40% आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा उसका जो वैल्यू है वो कितना परसेंट है, किससे कितना परसेंट है, उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर मतलब ये सबका सब एक्सपेंडिचर ही है ना, तो उसके एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी से, अभी इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंट है, 15% है, तो उसका 15% जितना भी आएगा उससे कितना परसेंट है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, देखो राकेश का सेविंग 15, क्या क्या मैम आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, बोलो बोलो क्या हुआ। मतलब 100 है तो 100 पे 15% ऐसे निकालना है क्या? 100 पे 15 नहीं, वैसा नहीं, मैं बता दे, देखो राकेश का जो सेविंग है उसका परसेंटेज पूछा है ना, जिसका भी परसेंटेज पूछा हो, ठीक है, ये कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट आएगा, इसका कितना परसेंट होगा, जिसका भी परसेंटेज होगा वो आप हमेशा ऊपर लिखोगे, मतलब यहाँ पे आएगा वो वाली। तो राकेश का सेविंग कितना है, 40% है ना, 40% किसका होगा, 10,000 का। ठीक है, तो 10,000 का 40% मतलब 40 divided by 100 इनटू होगा 10,000, यही होगा। इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, राकेश का सेविंग मिलेगा। तो ये जो राकेश का सेविंग है, ऊपर वाला वैल्यू, सेविंग जो है वो कितना परसेंट है, इट्स व्हाट परसेंट, ये जो है वो कितना परसेंट है, किससे कितना परसेंट है, ऑफ His expenditure on electricity, मतलब उसका जो expenditure है इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज कितना है, 15 है, तो वो 15 जिसका परसेंटेज, जिसके ऊपर पूछा है, किसके बारे में किसका परसेंटेज पूछा है वो आप ऊपर लिखोगे, किसके ऊपर परसेंटेज पूछा है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी 100% है तो राकेश का सेविंग कितना परसेंट होगा, वैसे पूछा आपको इनडायरेक्टली। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूछा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी 15% है, तो वो डिवीजन में लिखोगे 15 divided by 100 इनटू क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो सेविंग अपॉन इलेक्ट्रिसिटी इनटू क्या हो जाएगा, 100 इनटू 100 क्यों आएगा, क्योंकि जब भी आपको परसेंटेज पूछते हैं, जब भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी परसेंटेज पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे कंपलसरी इनटू 100 लिखना ही है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको इनटू 100 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये जो 100 है, ये जो 100 है वो कैंसिल हो जाएगा ना, 00 कैंसिल होगा, 00 कैंसिल होगा, ये 10,000 और ये 10,000 कैंसिल हो जाएगा, कर दो कैंसिल डायरेक्टली, 00000 कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी 00000 कैंसिल कर दो। अभी यहाँ पे देखो क्या बचा है, 40 divided by 15 इनटू 100, अभी ये है वो डिवाइड हो रहा है, और 5 से डिवाइड होगा, 8 into 100 कितना हो जाएगा, 800 होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 300 नहीं, ओनली 3 है ना, 300 कैसे आएगा, 3 आ जाएगा। अभी डायरेक्टली डिवाइड करो, 3 into 2 होगा 6, कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है, 3 into 6 कितना होगा, 18 होगा,
तो 20 माइनस 18 फिर से कितना बच रहा है 20 बच रहा है मतलब ये 20 20 बचता जाएगा तो यहाँ पे 266 उसके बाद पॉइंट है पॉइंट आएगा ना उसके बाद फिर से कितना बचेगा 2 बचेगा लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा तो पॉइंट के बाद डायरेक्टली 6666 आता जाएगा तो 266.66% हो जाएगा आंसर समझा डायरेक्टली डिवाइड करो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है और लास्ट में परसेंटेज दे दिया 800 डिवाइडेड बाय 3 किया इसको 266 2 बाय 3 भी लिख सकते हैं ना मैम हाँ हाँ 266 2 बाय 3 भी लिख सकते हैं मैम ये परसेंट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी है ना वो एक्सप्लेन करो ना मैम ये समझ नहीं आया वापस बताइए ना अच्छा देखो राकेश का जो सेविंग है ठीक है राकेश का जो सेविंग है वो कितना परसेंट है उसके इलेक्ट्रिसिटी से तो राकेश के सेविंग की बात हो रही है पहले ठीक है सेविंग हमारा कितना है 40% है तो हमने क्या किया 40% निकाला तो ये पूरा का पूरा सर्कल किसका है इनकम का है ना तो 40% किसका होगा 10,000 का आ जाएगा तो वही लिखा मैंने पहले 40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10,000 वो लिखा सेविंग तो ऊपर सेविंग आएगा जिसके बारे में जिसका परसेंटेज आपको पूछेंगे ना तो आप क्या करोगे वो ऊपर लिख दोगे तो वो हो गया ऊपर लिख दिया सेविंग जो सेविंग है वो इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंट है वो पूछा है तो इसीलिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी होगा राकेश का जो सेविंग है वो कितना परसेंट है उसके इलेक्ट्रिसिटी से उसका जो एक्सपेंडिचर है इलेक्ट्रिसिटी पे उससे कितना परसेंट है तो जिसका परसेंट पूछा आप ऊपर लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला है ना तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज कितना है 1/15% है तो 15% किसका होगा 10,000 का ही होगा तो 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 हो गया वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए तो सेविंग डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी इनटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज पूछा है जब भी आपको परसेंटेज पूछेंगे तो डायरेक्टली इनटू 100 लिखना ही है कंपलसरी तो यहाँ पे क्या किया डिवाइड यहाँ पे तो चारों का चारों जीरो कैंसिल कर दिया चारों का चारों कैंसिल कर दिया क्योंकि डिविजन है तो डायरेक्ट कैंसिल होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना होगा 1 होगा 1 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा फिर से 1 हो जाएगा कितना बचा था 40 और 15 बचा था 40/15 इंटू 100 बचा था यहाँ पे 5 से डिवाइड किया कितना आया 8 आया 5 से डिवाइड किया कितना आया 3 आया 8 इंटू 100 कितना हो गया 800 डिवाइडेड बाय 3 तो इसको जब 800 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 266.66 ये परसेंटेज हो जाएगा क्योंकि परसेंट पूछा है इसीलिए तो इनटू 100 लिखा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 266.66 परसेंटेज मैम हाँ बोलो यहाँ पे परसेंट पूछा है इसलिए हम लोगों ने इनटू 100 किया अगर यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ही पूछता अमाउंट में तो हम 40 और 15% के बीच में अगर 4000 माइनस 1500 ऐसे डिफरेंस निकालते ना हाँ सही है सही है हाँ अगर सिर्फ डिफरेंस वैल्यू में पूछा होता तो हाँ सही सही बोला आपने वैसे okay. ही करते हैं ओके मैम मैम तो क्या करते हैं मैम फिर से रिपीट कीजिए ना डिफरेंस का बोल रहे हो हाँ परसेंटेज डिफरेंस का 40% निकालोगे ना इसका 40% कितना आएगा 4000 इसका 15% कितना आएगा 15,000 आएगा 15,000 नहीं तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे सिंपली समझा डायरेक्टली डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकालोगे परसेंट पूछा है तो भी इनटू 100 करोगे परसेंट पूछा था इसीलिए मैंने इनटू 100 लिखा है नहीं तो मैं कभी नहीं लिखूंगी और ये डिवीजन भी उसी के लिए ही किया है ताकि परसेंटेज पूछा है परसेंटेज नहीं पूछेंगे माइनस पूछेंगे कि कितना ज्यादा है कितना कम है तो सिंपली डिफरेंस कर देंगे समझा वो अलग अलग होगा फिर ये जो है ना वो अलग अलग निकालोगे उसके बाद डिफरेंस करोगे परसेंट होगा इसीलिए डिवाइड बाय किया है दोनों का मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो बहुत स्लो जा रहे मैम आधे घंटे से कि 35 मिनट में दो क्वेश्चन
आवाज गया, आपका आवाज गया। अभी अभी आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं अभी। सबको समझना चाहिए ना संतोष, डायरेक्ट कैसे जा सकते आगे, सबको समझना। नहीं मैं आपको बोल रहा था सबका लिख के हो गया, अगला क्वेश्चन ले लो, ऐसा बोल रहा था मैं, उसके ऊपर नहीं बोल रहा। हाँ हाँ बोलो बोलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है, अटक रहा है। ये तो समझा मैम, कैसे इसका टू बाय थ्री वो इसका। राज आपका आवाज अटक रहा है, फिर से बोलो। ट्रक इशू है मैम। राज टेक्स्ट डाल दो। क्लियर नहीं आ रहा आपका आवाज राज। ईश चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री। फाइंड राकेश टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन। वो बैठ गया ना। 4,000 सही। टोटल पूछा यहाँ पे, डिफरेंस भी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है, टोटल पूछा है। इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन का परसेंटेज दोनों का एडिशन 4,000 सही। सब लोग बताओ। 4,000 वेरी गुड हितेश। 4,000 वेरी गुड संतोष। वेरी 4,000 वेरी गुड अनु सही है। 4,000 वेरी गुड श्रीकांत सही है। वेरी गुड निशा। वेरी गुड प्रियंका। वेरी गुड पिंसी। वेरी गुड प्रियंका। वेरी गुड नेहा। वेरी गुड बादल। वेरी गुड अनिकेत। वेरी गुड पूजा। मैम हाँ बोलो। मतलब एग्जाम में भी ऐसे ही जैसे आपने क्वेश्चन दिया है, मतलब पूरा ऐसा ऐसा ही आएगा एग्जाम में भी? हाँ ऐसे ही आएगा। ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं? हाँ आते हैं ये नॉर्मल, मतलब ऐसे टाइप के आते हैं क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसा पूरा डायग्राम बना के सब दिया रहेगा ना मैम? हाँ हाँ दिया रहेगा मैम। आया 4,000 आया। वेरी गुड अमृतपाली सही है ना। उन लोगों पूरे साल का पूछ सकते हैं। पूरे साल का मतलब इनकम 12 मंथ। अच्छा 12 मंथ इनटू 12 कर दो। इनटू 12 राकेश का टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना परसेंट है? 15 है ठीक है। और एजुकेशन का कितना है? 25 है। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो ना, डायरेक्टली दोनों का एडिशन करके परसेंटेज निकाल सकते हो। 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40। 40% हो जाएगा। 40 divided by 100 इंटू 10,000। 10,000 ये ना, दो जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल। 40 into 100 कितना हो जाएगा? 4,000। सबका आया 4,000? यस मैम। इसमें किसी को डाउट है? ओके रफ कर दूं ना? दो मिनट मैम। ओके लिखो।
डन मैम फाइंड आउट राकेश एनुअल इनकम 1,20,000 एनुअल इनकम दिया है आपको मंथली इनकम आपको निकालना है एनुअल इनकम मतलब साल में कितना होगा इनकम और आपको दिया है मंथली सब लोग बताओ 1,20,000 वेरी गुड सही है 1,20,000 वेरी गुड सही वेरी गुड बादल वेरी गुड 1,20,000 वेरी गुड अमरपाली वेरी गुड कोमल वेरी गुड अनिकेत वेरी गुड गौरव वेरी गुड हर्षिता वेरी गुड निशा वेरी गुड मीना 1,20,000 मैम सुनो ना हाँ वेरी गुड सिमरन सही है हाँ बोलो अनिकेत लास्ट की क्वेश्चन में अपन ऐसे भी कर सकते थे ना 15% प्लस 25% अलग अलग बोल रहे हो ना हाँ हाँ तो भी वो भी सही है अलग से निकालो 15 और 25 ये आपने नया किया था सेविंग्स किया था क्या पूरा हाँ दोनों का ऐड कर दिया मैंने डायरेक्ट परसेंटेज अलग 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 निकाला था उससे अच्छा डायरेक्ट ऐड कर दिया और डायरेक्टली 40% निकाला 25 प्लस 15 राज 12,000 लिखा आपने गलती से 10,000 है मंथली इनकम तो एनुअल क्या हो जाएगा इनटू 12 कर दोगे तो ये हो जाएगा 1,20,000 सही नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश एक्सपेंडिचर रेंट और एजुकेशन इनका हो गया लगता है आंसर तो नहीं दिख रहा ना लेकिन आंसर में देखना ऑन रेंट 4,500 करेक्ट है ना पहले ये क्वेश्चन हो चुका है मैम हाँ पहले ये डीआई हो गया था ना इसीलिए इतना फास्ट आंसर आ रहा है हाँ टुगेदर इज आगे नहीं आएगा मैम मैं क्वेश्चन लिख ही रही हूँ और आंसर कहाँ से आ जा रहा है उनका हो गया ना इसीलिए व्हाट परसेंट लेकिन हार्ड क्वेश्चन में नहीं आएगा मैम आंसर जल्दी नहीं देख के बताओगे तो हर उनसे आएगा नहीं मॉडरेट देखिए नहीं लेस देन इज छोटा छोटा इसके लिए जम रहा है इसके आगे नहीं मैम 500 500 आ रहा है 500 सॉरी सॉरी 5% ये होता है क्वेश्चन सिर्फ देखो परसेंट पूछा है ना परसेंट कितना आ रहा है कितना रेंट और एजुकेशन का है ना रेंट एंड एजुकेशन का है 12.5 सही है बाकी सब लोग बताओ रेंट एंड एजुकेशन मतलब आपको यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा हाँ हाँ करो रेंट एंड एजुकेशन का टोटल करोगे उसी उसका परसेंटेज पूछा है एक का नहीं पूछा तो रेंट एंड एजुकेशन का टोटल आएगा नीचे सेविंग आएगा उसका परसेंटेज पूछा यहाँ पे मैम आंसर क्या है 12.5% मैम 12.5% हाँ सही 12.5% मैम हाँ बोलो मॉडरेट में प्रॉब्लम होता है मैम क्वेश्चन ये चैप्टर
ये वाला इजी है थोड़ा सा। हाँ मॉडरेट में प्रॉब्लम होती है। ट्वेंटी प्लस 25 करेंगे तो 45 अपन 100 इनटू 10,000 करेंगे ना। सेंटर एजुकेशन 20 प्लस 25। हाँ सही है मैम, बट उतना आंसर नहीं आ रहा। 12.5 आएगा ना। किसका परसेंटेज पूछा है वो भी तो लिखोगे नीचे। किसका पूछा है? सेविंग का पूछा है ना, तो नीचे क्या आएगा? सेविंग आएगा। चलो बाकी सबका आया। बोलो सबका आया ये? और कोई ट्राई कर रहा है? वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड बादल। 12.5 मोर और लेस देन बोला है। मोर और लेस देन ये भी पढ़ो। मोर और लेस देन मतलब डिफरेंस का परसेंटेज पूछा। यहाँ पे डायरेक्टली परसेंट नहीं पूछा, यहाँ पे मोर और लेस देन का पूछा है, मतलब डिफरेंस का परसेंट। ऊपर डायरेक्ट स्क्रीन गया मैम, स्क्रीन गया। एक सेकंड मोर आएगा ना। दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा। डिफरेंस ही बता रहे ना, तो मोर ऊपर। दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? सेविंग। और आपको परसेंटेज पूछा है, तो जब भी मोर और लेस देन आएगा तो आपको ऊपर डिफरेंस नहीं दिख रहे। स्क्रीन गया मैम का। मैम लेफ्ट हो गई। मैम लेफ्ट हो गई? नहीं नहीं मैं लेफ्ट नहीं हुई हूँ अभी तक। फर्स्ट क्लास वाला फोन लेफ्ट। चलो 12.5 है ना सबका। देखो राकेश का जो एक्सपेंडिचर है ऑन रेंट एंड एजुकेशन वो टुगेदर, मतलब पहले तो इन दोनों का एडिशन आएगा, ठीक है? रेंट और एजुकेशन का एडिशन आएगा। रेंट और एजुकेशन का एडिशन कितना है? 20 एंड 25, मतलब 45% है, ठीक है? 45% जो है 10,000 का, वो टुगेदर इट्स व्हाट परसेंट मोर और लेस देन हिज सेविंग। तो जब भी मोर और लेस देन आता है तो मैंने क्या बोला है? डिफरेंस लोगे, डायरेक्टली डिफरेंस लोगे। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है? जो आपका रेंट एंड एजुकेशन है साथ में और सेविंग अलग से, उनका जो डिफरेंस आएगा, रेंट एंड एजुकेशन और सेविंग का जो डिफरेंस आएगा वो सेविंग का कितना परसेंट है ऐसा पूछा है। तो इसका मतलब सेविंग देखो कितना है, 40% है ना। तो 45% माइनस 40% होगा,
क्योंकि मोर और लेस देन बोला है, तो मोर और लेस देन मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 45% माइनस 40% होगा डिवाइडेड बाय, देन के बाद क्या बोला है, सेविंग बोला है। तो सेविंग का परसेंटेज कितना है, 40 है ना, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा, इनटू क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। व्हाट परसेंट पूछा है, 40% डिवाइड क्यों किया, डिवाइड क्योंकि देन के बाद बोला सेविंग का पूछा है ना, तो जिसका परसेंटेज अच्छा। पूछा वो नीचे लिखते ना, तो इसीलिए 40 आया। तो 45 माइनस 40 कितना होगा मैम, 45 का एक बार फिर से बताओ ना। 45 माइनस जो 40 है वो कौन सा है, सेविंग का परसेंटेज है ना। राकेश का जो एक्सपेंडिचर है रेंट एंड एजुकेशन, रेंट कितना है, 20 है ना, रेंट है हमारा 20, यहाँ पे लिख दो 20%, एंड एजुकेशन कितना है 25, ये है 25%, एंड मतलब दोनों का साथ में बोला है, टुगेदर बोला है, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 हो गया। उसके बाद क्या बोला है, टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज, तो इनटू 100 लिख दिया, मोर और लेस देन बोला है ना, इसीलिए 45 माइनस 40 किया। ये 40 कहां से आया, सेविंग वाला 40 है ये, और ये 45 कहां से आया, रेंट एंड एजुकेशन का टोटल है। रेंट एंड एजुकेशन और सेविंग इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि मोर और लेस देन बोला है, इसीलिए ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, नीचे क्या आएगा, सेविंग का परसेंटेज बोला है। तो सेविंग की परसेंटेज से कितना कम ज्यादा है, रेंट और एजुकेशन एंड सेविंग का डिफरेंस वो बोला है, तो यहाँ पे इसीलिए ऊपर डिफरेंस आएगा 5%, यहाँ पे होगा 5%, 45 माइनस 40% डिवाइडेड बाय, ये जो 40% है आप एज इट इज लिखोगे, इनटू क्या हो जाएगा, 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, तो जब भी परसेंटेज पूछते तो हम क्या करते हैं, इनटू 100 कर देंगे, इनटू 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा डिविजन में, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो 40 को, 5 × 1 5 हो जाएगा, एंड 5 × 8 हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड करो, 4 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। कितना बचा ऊपर, 25 × 1 कितना आएगा, 25 डिवाइडेड बाय, डिविजन में क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 12.5 हो जाएगा। डिवाइड करोगे 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 12.5%। समझा, किसी को डाउट है बोलो इसमें। मैम ये फिर से एक्सप्लेन करो, तो 5/40 × 100 का, 5/40 देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 40 है, इसके साथ क्या है, परसेंटेज है, तो दोनों जगह पे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज परसेंटेज पहले कैंसिल करो। उसके बाद मैंने क्या किया, 5 को 40 से डिवाइड किया, 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5, 5 × 8 कितना होगा, 40, ठीक है। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 100 है, तो 8 से यहाँ पे 8 और 100 है ना, बोथ 1 तो गया, 100 डिवाइडेड बाय 8 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 × 2 8 हो जाएगा, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अबे कितना बचा है, 25 ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है, 2 बचा है, तो 25 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 12.5% आएगा, तो वही 12.5% आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखो, कभी भी ना आपको मोर और लेस देन का परसेंटेज पूछेंगे ना, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, डिफरेंस लिखोगे। परसेंटेज आएगा, मोर और लेस देन आएगा तो डिफरेंस होगा, मोर और लेस देन का परसेंटेज आएगा तो इनटू 100 तो होगा, परसेंटेज आएगा तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हमेशा डिफरेंस ही आएगा। क्योंकि मतलब अगर पूछा होता कि रेंट और एजुकेशन, तो रेंट और एजुकेशन का जो डिफरेंस है वो एजुकेशन से कितना परसेंटेज है, तो आप क्या करोगे, रेंट और एजुकेशन दोनों को माइनस करोगे, वो जो माइनस है, जो भी डिफरेंस है वो ऊपर लिखोगे, एजुकेशन से कितना परसेंट है तो एजुकेशन नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे देन के बाद क्या था, सेविंग था, तो सेविंग का कितना परसेंट है, इसीलिए सेविंग डिवाइड हो गया, सेविंग 40% था, वही 40% यहाँ पे लिखा मैंने, और 45 कहाँ से आया, रेंट का 20% है, एजुकेशन का 25, 25 प्लस 20 कितना होगा, 45, तो वो ही 45 आया आपको, ठीक है। सबको समझा कैसे आया, बोलो। यस मैम।
डाउट है इसमें किसी को? मैम 12 1/2 भी लिख सकते हैं ना, 12 1/2 भी लिख सकते हैं, सेम ही है, मीनिंग दोनों का सेम है, सही है, किसी को डाउट नहीं है ना, सबको समझा ये वाला डी आई, ठीक है, फाइव वर्सेस का ये खत्म हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला डी आई खत्म हो गया, एक पार्ट खत्म हो गया, ओके मैम, ओके ओके मैम, चलो अभी स्टॉप करते, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डी आई ही होगा स्टार्टिंग से, ये एक ही डी आई हुआ है, तो बाकी का जो डी आई है हम ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके मैम, चलो बाय बाय, बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, थैंक यू मैम, वेलकम, बाय बाय, बाय बाय.